सर वीडियो नहीं बना सकते, आप वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, चलिए। हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस सब लोग ठीक होंगे। फिलहाल गाइस आज कुछ अधूरा काम मेरा रह गया था, वो निपटाना है मुझे अपना काम। और फिलहाल अभी जाते हैं बाहर, अपना काम निपटा के आते हैं, उसके बाद कहीं चलेंगे फन करने के लिए। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहा है और 12:30 बजे अपना ब्लॉग आ जाएगा। तो आपकी मैं एक बार एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, आप जो भी ब्लॉग्स आया करेंगे 12:30 बजे की टाइमिंग मैंने फिक्स कर दी है। 12:30 बजे ब्लॉग आपको मिल जाएगा, बिल्कुल समझ लीजिए मिल ही जाएगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े 12:30 बजे ब्लॉग आ जाएगा। तो गाइस आप लोग 12:30 बजे थोड़े से अपना टाइम निकाल के हमारा ब्लॉग देखने के लिए फ्री रहा करिए, कि 12:30 बजे आप पक्का बिल्कुल कुछ भी करके ब्लॉग आना ही आना है। और अभी कम्युनिटी मेरी ऑन नहीं हुई है, वरना मैं कम्युनिटी में भी डाल देता। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, जल्दी से उसको भी ऑन करवाइए, तो जो भी नोटिफिकेशन होगी आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मैं चलता हूँ अपने काम निपटाने। तो फिलहाल गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने काम से, और यहाँ पे तो मार्केट में बहुत जाम लगा हुआ है गाइस। इस टाइम ना कल है करवा चौथ, इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है मार्केट में, निकलने तक का वो नहीं मिल रहा है, समझ लीजिए इतनी भीड़ है। कल भी तो भीड़ थी, मंगल और कल गाइस मंगल था, तो कल भी इतनी भीड़ लगी हुई थी ना, बिल्कुल बम्पर वाली भीड़ लगी हुई थी। मंगल को मार्केट बंद रहता है। हाँ, वैसे हमारे यहाँ पीलीभीत में मंगल को मार्केट ऑफ रहता है, मंगल बाजार लगती है, जो कि आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में। और नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसको भी जाके देख लेना। और फिलहाल तो यहाँ पे भीड़ बहुत है, बहुत ट्रैफिक है गाइस, बहुत। अभी आगे देखिए ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ये देखो है फिर जाम, पता नहीं जाम कितना मिलेगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। बंदा अगर कोई इमरजेंसी में निकले तो जाम ही से ना निकल पाए। और ये देख लो, हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। हम लोग यहाँ पे काम निपटाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग कहाँ आए हैं वो मैं नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल अपना काम निपटाते हैं। अब फिलहाल गाइस आज भी हमारा काम अटक गया है और आज भी नहीं हो पाया काम। आप फिलहाल चलते हैं फिर से उल्टा घर को, और क्या कर सकते हैं भाई, बड़ी समस्या है। तो फिलहाल घर चलते हैं और फिर थोड़ा बहुत शाम को अब जाएंगे, अब मूड ख़राब हो गया है। और ये खड़ी अपनी बाइक, भाई सवार हो चुके हैं बाइक पे और अब निकलते हैं यहाँ से, डॉक्यूमेंट ले लिए। धूप एक तो बहुत, अभी 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, अब एकदम धूप होने लगी, ये बहुत दिक्कत है यार। निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल गाइस मार्केट में भीड़ देखिए कितना है, रश कितना है यहाँ पे, ये देखिए आप। फिलहाल मार्केट से निकलते हैं घर जाते हैं यार, मार्केट में बहुत बेकार लग रहा है, भीड़ बहुत है। ये देखिए सामान खरीद रहे हैं। ओ भाई साहब, आज है ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे है आज, और तब भी इतनी भीड़ है। कल मंगल था और कल भी भीड़ थी, आज भी भीड़ है कंटिन्यू। अब कल तक कल भीड़ नहीं होगी, कल करवा चौथ है ना, कल नहीं होगी, कल भी हो सकती है, कल नहीं होगी यार। रश देखिए कितना तगड़ा रश चल रहा है। आपको आवाज तो आ रही होगी थोड़ी बहुत, सही नहीं भी आ रही होगी, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि रस इतना तगड़ा है, बाइक बाइक की आवाज पाँ पाँ पी पी पता नहीं क्या होता था। फिलहाल अब निकलते हैं घर पे। फिलहाल गाइस हम लोग आए हैं इस टाइम सीटूसी मॉल में और अपलोडिंग करते हैं। इधर चल, इधर आ। फिलहाल गाइस देख रहे हैं हम लोग जो हमें चाहिए वो मिल जाए यहाँ पे, मिल तो जाएगा फिलहाल, और देख रहे हैं क्या मिल जाए हमें। अरे कोई कॉम्बो वम्बो नहीं है यार, कितने 179 के हैं। फिलहाल गाइस गाइस ये शैम्पू ले रहा हूं, शैम्पू करते ही, ये शैम्पू देख रहा हूं मैं, शैम्पू करती ही हूं पर ये मैं करता ही नहीं हूं। इधर आओ देखते हैं कुछ और, तो कुछ ढंग का मिले तो कुछ ले लें। भाई भाई ये क्या है? अबे कंडीशनर है, ये भी शैम्पू है। अरे गाइस शैम्पू शैम्पू है यहाँ पे, कुछ और नहीं है, वो नहीं है क्या कहते हैं इसका, डेटॉल। डेटॉल कितने बोला ये? 135।
है कितने वाला ये? गाइस मैं दे रहा हूँ एक हाजमोला इमली वाला, अब भाई कह रहा है मतलब तो नहीं लेना हाजमोला, नहीं लेंगे क्या करेंगे हाजमोला लेंगे। फिलहाल गाइस मॉल में तो हम घुस पड़े हैं और हमें देखना है क्या, पता नहीं मैं क्या क्या सामान उठा लेता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इधर तो सारे बैग्स ही बैग्स लगे हुए हैं और देखूँ बैग्स कैसे हैं, और ये नहीं मेरे को चाहिए, एक ट्रैवल बैग चाहिए क्योंकि अब बाहर निकलना होगा ना, तो अब बाहर वाला सामान चाहिए। ये तो लड़कियों वाले बैग हैं, ये क्या चीज़ है, फाउंटेन जैसा लग रहा है कुछ पर है नहीं। ओ भाई एंटिक घड़ी, एंटिक घड़ी, कौन सी घड़ी? एंटिक, अबे 9-8 लग रही है, नंबर गलत है। नहीं गलत नहीं है, ये 7 है, मुझे लग रहा है 1 है पर ये 7 है। हाँ मेरे को लगा ऐसा। तो फिलहाल ये गाइस एंटिक घड़ी है, यहाँ पे घड़ी घड़ी है यार हमारा। हाँ टैडी हैं तो यार यहाँ पर बड़े नहीं हैं यार, अपने पास मतलब 5 फीट का करीब टैडी नहीं होगा यहाँ। अच्छा अच्छा चलिए सब होगी यहाँ पे अपनी बिलिंग और सामान अपना बिल करवाते हैं यहाँ पे, तब यहाँ से निकलते हैं ठीक है। फिलहाल गाइस तो फिलहाल का सामान तो ले लिया गया है, 300 तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर के लिए, सामान लेना था, ये सामान ले लिया, कुछ घर का सामान है, एक पार्ले जी का पतला दूध लिया हमने, तो अब यहाँ से निकलते हैं और फिर घर चलते हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पे चल रहा है हमारा ब्लॉग, और जिन लोगों ने अभी तक ब्लॉग नहीं देखा है वो जल्दी जाइए ब्लॉग देख लीजिए जाके, और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने ब्लॉग, और 12:30 बजे ब्लॉग मेरा कंटिन्यू आ जाता है, जल्दी जाके ब्लॉग देखिए ठीक है। फिलहाल गाइस अभी हमें कराना है घर में एक काम, मैं घर पे आ गया थोड़ी देर में, ऐसी शॉपिंग के लिए गया था पहले, तो अब आ गया घर पे, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको मुझे क्या काम करवाना है, पहले तो इधर चलते मैं दिखाता हूँ अभी आपको करवाना क्या है मुझे। तो गाइस ये देख रहे हो आप, ये है गीजर हमारा, ये गया जल हो गया पूरा। तो फिलहाल इसी को अब मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ, ये रखा हमारा नया वाला, इसको लगवा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी वो भैया आए नहीं है, वो आ रहे हैं, उनका कॉल आया था अभी, तो ये अब क्योंकि आने वाली है ठंड, इसको इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो गाइस ठंड कहाँ से लगी, मैं हाफ से ठंड लगी, तो फिलहाल गाइस अभी तो टाइम लगे उन्हें और आ रहे होंगे। तो ये पता है मैंने ये जो गीजर है मैंने इसकी मतलब आपको एक तरकीब बताता हूँ बहुत अच्छी, अगर आपको कोई भी सामान लेना है, जैसे अगर कोई आपको जाड़ों वाला सामान लेना है तो वो आप लीजिए गर्मियों में, और जो गर्मी वाला सामान लेना है वो आपको लेना है ठंडों में, तो इससे आपको रेट थोड़ा कम में मिल जाता है और कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होती। तो हमने ये लिया था गर्मियों में और हमें सस्ता भी पड़ गया, अब हम जाड़ों में इंस्टॉल करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मजे हैं। तो इसको अभी इंस्टॉल करवाते हैं, अभी मैं भैया आएंगे तो इंस्टॉल करते हुए मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है इंस्टॉल। वैसे हमारे वायर तो सब लगा हुआ है, बस इनको लगा के जोड़ देना है, तो और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको हटा देंगे वाला लगा देंगे ठीक है। अभी वो आएंगे तभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल गाइस अपना यहाँ पे गीजर हो रहा है इंस्टॉल, और ये देखिए ये गीजर हो गया ख़राब, जल गया ये भैया, जल गया शायद, है पता नहीं क्या हुआ। हाँ ये ज़्यादा आ गई, मतलब ज़्यादा हो गई, ये हो गया ख़राब, आप करवाएंगे हैं? हाँ तभी तो हमने कहा छोड़ो इसको, तभी ये वाला नया इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो ठीक है गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपने देखा होगा सब कुछ जो हुआ आज मेरे साथ, जैसे कि हमें मैं C2C मॉल गया था, तो वहाँ पे उस लड़की ने वीडियो बनाने में मैं कर दी। तो गाइस मैं भी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, भाई तुम भी अपना काम ही कर रहे हो, तो फिलहाल ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, पर पता नहीं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे पिल्ली तो ये चीज़ बहुत है, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो वीडियो बनाने के मना कर देते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी। भाई अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उल्टा जो भी हमारे सब्सक्राइबर देखेंगे आपका प्रमोशन ही होगा, कोई वो तो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें पता नहीं क्या सोच है हमारे पिल्ली की, बहुत
सोच थोड़ी ठीक नहीं है। वैसे तो सभी कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर लोग थोड़े, पर भाई उनका भी काम है यार, ये वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे भी किसी ने मना किया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, सबका चलता है अपने अपना, मैं फोर्स नहीं करता किसी को, उसने मना किया मैंने बंद कर दिया, बस साफ सीधी बात। ठीक है तो गाइस, और हमने कराया आज गीजर इंस्टॉल, क्योंकि ठंड अब आने वाली है तो हमने उन्हें इंस्टॉल करवा लिया था। तो चलिए फिर हम फिर मिलते हैं इस नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।